केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। आचार संहिता लग चुका है और गांव में सरकार चुनने की बारी आ गई है। भागलपुर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर बबूरा मकैता पंचायत के भावी प्रत्याशी राजेश मंडल जी से बातचीत करने चलते हैं। क्या क्या समस्या है इनके पंचायत में? आपके चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? सबसे प्रथम तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजेश मंडल उर्फ राजकिशोर प्रसाद है। मेरी पत्नी श्रीमती गुड़िया देवी भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। और जहां तक आप सवाल किए हमसे कि चुनाव लड़ने के उद्देश्य, तो हम एक शुरू से ही सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। हमारे पंचायत में बहुत ऐसा कार्य है, चाहे डेवलप का काम हो या मान लेते युवा वर्गों को प्रोत्साहित करना हो एजुकेशन के लिए। किस प्रकार का डेवलप का काम? देखिए, मेरे ख्याल से डेवलप दो तरह का होता है। एक तो जिसको आप भौतिक डेवलप कहते हैं, रोड सड़क नाला वगैरह, और एक होता है मानसिक डेवलप। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आने वाला समय में बाबा धनकुंड नाथ हमें आशीर्वाद देते हैं, तो हम दोनों चीज़ को साथ साथ लेके चलेंगे। समाज के हर तबके का ख्याल रखेंगे, खास करके जो दलित महादलित दबे कुचे लोग हैं, जिनको कि सरकार जो उनके प्रति जो आवंटन भेजते हैं, हम सरकार और जनता के बीच में एक माध्यम बन के भरसक प्रयास करेंगे कि उनको जो है उनकी हक मिलना चाहिए। मतलब निस्वार्थ सेवा करें। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप चुनाव जीतते हैं जी, तो क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करेंगे? 10 ऐसे काम बताएं जिसको आप प्राथमिकता देंगे। जी हाँ, सबसे पहले प्राथमिकता देंगे कि हमारे यहाँ पंचायत में गरीबों की संख्या अधिक है, SC ST की संख्या है। तो उन लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, सही सलामत उन तक पहुंच जाए। हमारे यहाँ बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका उम्र हो चुका है पेंशन प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनको अभी तक जो है पेंशन प्राप्त नहीं हुआ, तो उन चीज़ को भी हम प्राथमिकता देंगे। अब कई ऐसा देखने में आ रहा है, सुनने भी आ रहा है कि 2-3 साल से जो है पेंशन हो गया है लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे हमको लगता है कि 250 से 300 की संख्या में पूरे पंचायत में ऐसे लोग होंगे कि जो कि वृद्धा पेंशन हुआ हुआ है लेकिन उनको पैसा राशि नहीं मिला। तो उस पर भी हम पहल करेंगे। गांव ग्राम में पेयजल की सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको स्वस्थ रहना जरूर। जब आपका बॉडी स्वस्थ रहेगा तो आपका माइंड भी स्वस्थ रहेगा, तभी आप कुछ सोच सकते हैं। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? जी हाँ, हमारे पंचायत में मकेता बबूरा पंचायत में मकेता गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है। है जी। उसमें डॉक्टरों की व्यवस्था है? नहीं अभी। तो उस व्यवस्था को कैसे करेंगे? जी हाँ, उसके लिए जो एक मुखिया बनने के बाद अगर जो हमको करना पड़ेगा, जैसे भी लाना होगा, तो हम ये वादा करते हैं आप मीडिया कर्मी के सामने भी, मेरा ये सौभाग है कि आप लोग हमारे यहाँ हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि हम पंचायत के लोग भी वासी भी जो जान पाए कि हमारा सोच क्या थॉट क्या है। इसके लिए पहले आपको भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस मुद्दे को उठाया। हम स्वास्थ्य के लिए जो है जो भी करना पड़े, चूँकि कहता है कि हेल्थ इज लाइफ, तो हेल्थ जो है सबका स्वस्थ होना चाहिए, चूँकि हेल्थ रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको जो बन पाएगा एक जनप्रतिनिधि के नाते हम करेंगे, और यहाँ डॉक्टर भी रहेंगे और जो भी हॉस्पिटल में उपलब्ध होना चाहिए उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। आपके पंचायत में युवाओं के लिए खेलकूद के मैदान की व्यवस्था नहीं है? जी हाँ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पंचायत में खेलकूद की व्यवस्था नहीं है, कोई बड़ी मैदान नहीं है। तो युवा कहाँ जाएंगे जो आजकल खेलकूद में आगे बढ़ रहे हो, कहाँ जाएंगे? जी आपके तरफ से उनको क्या सहयोग मिलेगा? जी हाँ, जिस तरह की आपके लाइफ में स्टडी करना अनिवार्य है, उसी तरह जो है आपको फिजिकल के लिए भी तैयार होना, तो उसके लिए जो है
हमको जो समाज वाले को प्लेटफॉर्म बच्चे को मिलना चाहिए वह हुआ नहीं है, लेकिन हम इतना कोशिश, कोई वादा तो नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह हमारे दिल में युवाओं के प्रति संवेदना है उस चीज़ को लेकर हम बहुत अग्रसर भी हैं, और जहाँ तक होगा कि अगर हम जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे और समाज का सहयोग से करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम इस बार यही अपील करना चाहते हैं, जनता जनार्दन जो हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी है उन सबसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें जिताइए, उसके बाद हमारा काम देखिए और किस तरह से हम अपना कार्य प्रणाली को बढ़ाते हैं, सरकार की सारी योजनाओं को किस तरह अपने पंचायत में इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पंचायत में हमारे हिसाब से जो वर्तमान मुखिया है उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, वो तो जनता जनार्दन ही जवाब देंगे। हाँ, हम बेशक इतना कहेंगे कि हम इनसे बेहतर करने का कोशिश जरूर करेंगे। आप चुनाव जीतेंगे? जी हाँ। तो क्या आप जात पात की राजनीति करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी मन में था ही नहीं और कभी ख्याल आएगा ही नहीं। ऊंच नीच, गरीबी अमीरी का कोई भेदभाव? सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय के नाते मेरे नजर में ऊंच नीच कुछ नहीं है, मेरे न एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व बनता है उस दायित्व पर पूर्ण खड़े उतरने का कोशिश करूंगा, ये मेरे मन में ना ख्याल था और ना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर प्रसाद उर्फ राजेश मंडली। ग्राम? ग्राम मकैता। पंचायत? मकैता बबूरा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम इस बार यही अपील करना चाहते हैं, जनता जनार्दन जो हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी है उन सबसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें जिताइए, उसके बाद हमारा काम देखिए और किस तरह से हम अपना कार्य प्रणाली को बढ़ाते हैं, सरकार की सारी योजनाओं को किस तरह अपने पंचायत में इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पंचायत में हमारे हिसाब से जो वर्तमान मुखिया है उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, वो तो जनता जनार्दन ही जवाब देंगे। हाँ, हम बेशक इतना कहेंगे कि हम इनसे बेहतर करने का कोशिश जरूर करेंगे। आप चुनाव जीतेंगे? जी हाँ। तो क्या आप जात पात की राजनीति करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी मन में था ही नहीं और कभी ख्याल आएगा ही नहीं। ऊंच नीच, गरीबी अमीरी का कोई भेदभाव? सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय के नाते मेरे नजर में ऊंच नीच कुछ नहीं है, मेरे न एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व बनता है उस दायित्व पर पूर्ण खड़े उतरने का कोशिश करूंगा, ये मेरे मन में ना ख्याल था और ना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर प्रसाद उर्फ राजेश मंडली। ग्राम? ग्राम मकैता। पंचायत? मकैता बबूरा। सर आप देख रहे हैं कलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। आइए हम मकैता बबूरा पंचायत के ग्रामीणों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम नंद किशोर कुमार है। क्या करते हैं आप? सर मैं शिक्षा के लाइन से जुड़ा हुआ हूं। जी, यहां पे मुखिया जी ने क्या क्या काम किया है? वर्तमान मुखिया का कार्य संतोषप्रद के आसपास ही है, हालांकि उन्होंने काम किया भौतिक विकास पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया जो हर कोई करता है, क्योंकि भौतिक विकास के साथ साथ प्रतिनिधि का भी विकास होता है। इसके अलावा सर जिसको कि गुणवत्ता का विकास कर सकते हैं, तो इस मामले में सही शुरुआत भी नहीं हुई। गुणवत्ता के विकास की शुरुआत नहीं हुई, तो इस बार आप किसको वोट देंगे? इस बार सर हम ही नहीं सर, मेरा समाज हर कोई कह रहा है, जोर शोर से कह रहा है, गुड़िया देवी उर्फ राजेश मंडल जी को वोट लगाएगा। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं नहीं मिल रहा है। इंदिरा आवास मिला है? मिला। राशन कार्ड में नाम है? डीलर का मनवाने चल रहा है? राशन दे रहा है ठीक ठाक? इस बार किसको वोट दीजिएगा? वर्तमान मुखिया के काम से खुश है? चलिए इस बार वोट दीजिएगा राजेश जी को। आपका क्या परिचय हुआ? रामेश्वर मंत्री। आप क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं। वर्तमान मुखिया के तरफ से मनरेगा के तहत कोई काम मिला है यहाँ पे? कोई काम बढ़िया नहीं मिला है। आप उनके काम से संतुष्ट नहीं है? ऐसा क्यों कि मान लीजिए जहाँ नहीं काम होना चाहिए वहाँ काम करवाता है, जहाँ जरूरी है वहाँ कोई काम नहीं होता। अच्छा, कुछ ऐसा काम, कोई ऐसा काम बताइए जो आप वर्तमान मुखिया के काम से संतुष्ट हैं। भैया ख्याल से तो कोई काम नहीं है। इस बार आप किनको वोट देना चाहेंगे? गुड़िया देवी राजेश मंडल को। क्या लगता है, उम्मीद क्या है?
उम्मीद है जिसके गांव को मेरा साइड है उम्मीद है जीत जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश चंद्र मंडल हुआ। आप क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। किस चीज का बिजनेस है? वर्तमान मुखिया जी के तरफ से आपको किसी प्रकार का कोई सपोर्ट मिला है? नहीं। मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं? उतना संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस पर उनको ध्यान देना था ज्यादातर में वो ध्यान तो उस पर पड़ा नहीं। आर्थिक आया हो पहल, लेकिन जिससे गुणवत्ता की परिचय हो, समाज में एक संतुष्टि मिले, बच्चे वृद्ध में या अच्छा सजेशन मिले उसको, यानी मूल चीज हुआ शिक्षा। शिक्षा विशेष पर जो है कोई पहल नहीं किए, इसलिए वह संतुष्ट। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम लखन मंडल है, हम वार्ड सदस्य ग्राम मसी मकैसा का हूँ। जो भी काम हुआ है नहीं, जैसा कि आपके समाज के लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने बताया कि गुणवत्ता पे काम नहीं हुआ है, क्या गुणवत्ता आप देखना चाह रहे थे? गुणवत्ता देखना चाह रहे थे। मेरे गांव में जैसे हॉस्पिटल था तो वहाँ जो है डॉक्टर की सुविधा नहीं थी। मेरे आंगनवाड़ी सेविका प्राइवेट में चला रहे थे, भवन बने हुए थे, उसका काम नहीं हुआ था। यही सब मुखिया जी सब। इस बार आप किसको वोट दीजिएगा? इस बार तो गुड़िया देवी राजेश मंडल को जिताना चाहता हूँ। क्या उम्मीद लग रहा है? हमें 100% उम्मीद लग रहा है कि मेरा भावी मुखिया गुड़िया देवी उर्फ राजेश मंडल जी ही बनेंगे। आप राजेश मंडल जी को क्यों वोट देना चाहेंगे? अच्छा व्यक्ति। अच्छा व्यक्ति तो ये भी है, उनके दो चार गुण को बताइए। जो काम करने योग्य व्यक्ति हो उनको वोट डालना चाहिए, जो मनुष्य का नेता होता है वो डालने का। राजेश मंडल जी का कुछ गुण बताइए जो आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, ठहरा हुआ का लड़ाई हुआ था। अच्छा, खुला हुआ था। केलांचल टाइम, हर खबर पर हमारी नजर।